हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं नहा कर फ्रेश होके निकल गया हूँ। आज डेट है 30 और कल दिवाली, कल 31 है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी कंपनी, पूजा पाठ करना है और पूजा पाठ करके फिर उसके बाद घर पे आऊँगा। घर का भी हाल थोड़ा बहुत बेकार है, थोड़ा साफ सफाई करना है और घर का भी पूजा करना है। घर का पूजा कल करूँगा, अभी मैं जाता हूँ कंपनी। आज पूजा करके कल, आज से छुट्टी हो जाएगा। देखता हूँ क्या मिलता है बोनस में और क्या क्या मिलता है मुझे कंपनी में। तो जाता हूँ पहले कंपनी। ओके, आ गया भाई अपने कंपनी में पूजा का सामान लेकर। और ये रहा फूल, माला और ये सब नारियल, देख लो सारा सामान लेकर आया हूँ। ये सर का कार है हमारे, और ये मेरा बर्गमैन। अभी इधर पे ये अगले साल का, देख लो ये अगले साल का है, हार मैंने ही लगाया था। अब पूजा करूँगा। ये देखो पूरा साफ सफाई कर दिया था ये सब, पूरा कंपनी का। अभी ये सब पूरा गंदा हो गया था, धुल के सूखने के ले दिया हूँ। ये देखो पूरा क्लीन कर दिया कंपनी, देख पूरा साफ कर दिया हूँ, एकदम शाइनिंग चमक रहा है। ये सीएनसी मशीन है। आया हूँ जलेबी फाफड़ा मिठाई लेने के लिए आया हूँ। मिठाई तो सर लेकर आया, मैं नाश्ता लेने के लिए आया हूँ। ये सारा सामान आ गया है कंपनी का। अभी चलता हूँ पूजा करने के लिए। सुबह से कुछ भी खाया नहीं हूँ, पूजा पाठ करके खाना खाता हूँ, ये सब खाता हूँ। मैं वीडियो में आ ही नहीं रहा हूँ। ये सब मशीन पे उस सब मशीन थोड़ा घुमा देना, घुमा ऐसी घुमा देना, वैसे जगह लगाने का भी बहुत खतरा है, सूखा जगह लगाता हूँ। जो मत करना, जो मत हाँ मैं बगत रही चालू तो बाद में निकालने जाते हो, निकाल के नहीं चलाएगा गिरे बस बस रहने दे, बस ना काका। इधर दिखा पहले काका को नहीं लगा रहा है, पहले ले आप लोग को भी लगा, अभी ना आगे पहुंच जाओ। पूजा पाठ कर लिया कंपनी का। अभी यहाँ से जाना है पेट्रोल पंप में, क्योंकि मेरा गाड़ी का पेट्रोल है नहीं है, देख लो ख़त्म हो गया है। अभी निकलता हूँ पेट्रोल पंप में, उसके बाद मिलता हूँ। इधर मेला भी लगा है, ये देख लो, क्योंकि कल दिवाली है इसके लिए। इतना अच्छा व्यू आता है रे भाई ना, हाँ इसके लिए मैं लेना चाहता हूँ। इधर भी है, जितना वीडियो बनाया उन्हें भेजना। चुप 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 चुप
आ गया पेट्रोल पंप से, फ्यूल भराया। फिर उसके बाद इतना ट्रैफिक लगा था ना कि उधर ही एकदम एक घंटा तो ट्रैफिक में ही चला गया। फिर दोस्त के घर पे गया, उसको छोड़ा, फिर उसके बाद घर पे आया अभी और दिखाता हूँ मैं सर ने कौन सा मिठाई दिया था। ये देखो दिवाली का, ओ गणपति पप्पा, गणपति पप्पा। और यार, और ये मेरा भाई का है, सेठ ने दिया था, ये मेरा भाई का, सर ने दिया था ये वाला मिठाई आज, और ये वाला कल लेकर आए थे, कल मम्मी का धनतेरस होता। ये तो ख़त्म हो गया, इसमें तो बहुत अच्छा अच्छा चीज़ था, तीन लाइन का। ये राहुल का जो काजू कतरी है ना पूरा अच्छा। अब मेरा क्या है, इसको ओपन करना पड़ेगा। ये देखो ये सर ने दिया है, ये कौन सा मिठाई है, काजू कतरी, हाँ वैसे ही है सेम, पर जो भी है अच्छा है, मतलब काफ़ी मिठाई है, 1 kg है पूरा टोटल। टेस्ट भी कर लेता हूँ कैसा लगता है, थोड़ा सा नहीं पूरे खा लेता हूँ काफ़ी अच्छा है। अभी मैं एक बात आपको बताता हूँ, जो मेरा कंपनी है ना, मतलब जिसका है वो सर का नाम है, वो शेख है, मतलब मुस्लिम है, फिर भी उनको मतलब हिंदू मुस्लिम उनको ये चीज़ें उनको नहीं, उनके लिए इंसानियत मायने रखता है। फिर भी सोचो बहुत मुस्लिम होते हैं कि बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरे कंपनी में मतलब पूजा पाठ मत करो, हमारा मुस्लिम का जो जैसा पूजा होता वैसा होएगा, पर हमारे सेठ का जो हमारे सर है उनको ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे सर है, जब भी मैं पैसा मांगता तभी टाइम पे टाइम दे देते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आता है हमेशा मेरा सर साथ देता है। और अयोध्या गया था राम मंदिर के लिए, वो भी मेरे सर ने पैसा दिया था, हर चीज़ में मेरा साथ देते हैं। थैंक यू सो मच रियली थैंक यू सो मच। आप अगर देख रहे हो मेरे वीडियो को तो अभी आप, पता नहीं आपने मेरे को मेरे अकाउंट में कितना बोनस दिया हो तो अभी तक मुझे नहीं पता चला है, पर अगर दिए होगे तो अच्छे ही थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के दे देना ताकि मैं अपना अच्छे से धूमधाम से दिवाली मना सकूँ। ओके तो मैं ब्लॉग यहीं तक एंड करता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी नेक्स्ट वीडियो एंड बाय गाइज, और हैप्पी दिवाली सभी को मेरे तरफ से। आज ये 30 डेट है, 30 है, कल 31 है। तो चलो ब्लॉग यहीं तक एंड करता हूँ, जय श्री राम। और सर देख रहे हो, थैंक यू सो मच सर, ओके बाय बाय। और मैंने खाना भी नहीं खाया था सुबह से लेकर और शाम तक का, और मेरा एक आदत है जब तक पूजा पाठ नहीं करूँगा ना तब तक वॉशरूम नहीं करूँगा। मैंने 10 बजे नहा के गया था कंपनी में, उसके बाद वहाँ काम करने लगा, मतलब थोड़ा साफ क्लीनिंग का था वो सब किया, क्लीनिंग किया मशीन का, और उसके बाद टॉयलेट बहुत तेज लग गया था मेरे को, फिर भी मैंने वॉशरूम भी कंट्रोल करके रखा। 5 बजे कंपनी में पूजा किया शाम को, और उसके बाद जलेबी फाफड़ा था वो सब खाया, थोड़ा भूख मिटा, फिर उसके बाद वॉशरूम भी किया, उसके बाद अभी भूख लग गया खाना खाने का। तो देख लो खाने में क्या क्या है बना है, और ये रोटी है, सब्जी है और भात है, ये 3 आइटम है। अभी खाना खाता हूँ, ओके बाय।